ठंडी के सीजन में गेहूं का खेत देखने में कितना प्यारा लगता है। और ये रही है मेरी खेती गांव की। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पे। गाइस, आज मैं बाज़ार से गोभी का पौधा छोटा वाला लेकर आया हूँ बैठाने के लिए। और अभी कुछ गोभी हमने लगा रखी थी, जो ये है वो गोभी, ये सब लगा रखा हूँ। और अभी ये सब तो तैयार होने में कम से कम 1 महीना, 1 महीना नहीं लगेगा लेकिन 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, 15-10 दिन। और इधर मेरी आलू की खेती है, अभी इसमें पानी भी चलाऊंगा कुछ दिन बाद। अभी तो ठीक है, फिलहाल नमी है इसमें। और ये सब बाउंड्री लगा हुआ है, यहाँ पे गोभी है। और गोभी भी आज बाज़ार से लेकर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ ऋषि सिद्धार्थ आए हुए मेरे साथ में, ये खड़े हैं। और पानी भी लेकर आया हूँ, जो पौधा में पानी देना है तो भी हम लोग उसको बैठाते हैं। यहाँ हमारी माता जी पालक काट के रखी हैं, यहाँ पे बैठाया हुआ था पालक। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पालक थी तो अभी पालक यहाँ पे काट के रखे हुए हैं। यहाँ पे और जगह जो थी वो कट गई है पालक, ये देख लो, ये कटा हुआ पालक दूसरा जो बोलते हैं, वीडियो में दिखाया भी था और भी। और यहाँ पे चुकंदर बैठा हुए हम लोग, चुकंदर। अभी हम चलते हैं अपनी जो गोभी का जो पौधा लाए छोटा वाला, उसे बैठाते हैं अपने खेत में। क्या हुआ ऋषि? ये बाबू ऋषि है मेरा, साथ में भांजा मेरा। हाँ लाला, ये देखो चुकंदर, यहाँ पे हम चुकंदर बैठा कर रखे हैं दोस्तों। ये चुकंदर की खेती आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है आपको, ये चुकंदर है। और इसे कच्चा भी खा सकते हैं। हाँ, ये लाला कच्चा ही खा जाता है। हेलो बोलो गाइस से, फ्रेंड दोस्तों से अपने, हेलो बोलो। हेलो दोस्तों, हाँ आज से हेलो ना वीडियो लंबे नहीं बनाएंगे, आज सुबह सुबह वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ पे हमारी माता जी है, वहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ पे पौधा लगाने गई हैं, पानी भी लेकर आए हैं। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि कहाँ लगाएं, जहाँ जो जमीन अच्छी हो वहाँ पे लगाते हैं, ताकि गोभी का जो बेरहन है वो तैयार हो सके। ये उठाओ, अपने फ्रेंड और दोस्तों को दिखाओ, क्या है ये गोभी? क्या करना है, बैठाना है ना? हाँ, तो कहाँ बैठाओगे? हाँ, वहाँ पे हम लोग दोस्तों बहन वहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे अभी देखो, ये गोभी जो है कोई छोटा है, जैसे कि कोई गोभी 10 दिन पहले बैठाई हुई, कोई 10 दिन बाद में बैठाया गया है, इसीलिए छोटा बड़ा है। और ये देखो ऋषि सिद्धार्थ यहाँ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो भाई? नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। अब उसको रखो और उसको बैठाते हैं नीचे। देखो हमारी माता जी यहाँ पे बैठा रही है इसको, यहाँ पे ये देखो, वहाँ पे से ऐसे मिट्टी खोद के बैठाया जा रहा है। इसको इसमें ऐसे लगा के पानी डालेंगे अभी थोड़ी देर में। वहाँ भी एक पौधा लगा दिया हूँ। इधर दोस्तों मेरा जो जमीन था ये खाली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इधर लगा दूँ कुछ पौधे, ताकि अपना सब्जियाँ ताजी ताजी जो अपने घर की सब्जी हो सबसे अलग होती है। आजकल के मार्केट में क्या है, अलग अलग प्रकार की दवाइयों को छिड़काव किया जाता है, जिससे हमारी सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। तो हम सोचे घर पे ही अपनी हरी सब्जियां क्यों ना उगाया जाए, जो अपनी खेती है उसमें लगा के। तो इधर में है अभी, तो दिखा रहा हूँ, यहाँ बाल्टी में पानी है। अभी वहाँ पे बैठा रहे हम लोग जो पौधा है छोटा छोटा, और ऋषि सिद्धार्थ वहाँ पे देख सकते हो आप, वो ऋषि है वहाँ पे, वो आ रहे। मग्गा लेकर आ जाओ, पानी डालते हैं इसमें, ठीक है ऋषि? इसमें लाओ पानी, डालो इसमें छोटे वाले पौधे में। गाइस अभी सारी गोभी में पानी डाल रहे हैं, पानी डाल के फिर ये हो जाएगा ताजा, ताकि इसमें नमी बनी रहे। पानी भी हमने डाल दिया इसमें, ये रहा हमारी गोभी, देखो पानी इसमें डाल दिए, अब ये हो जाएगा धीरे धीरे तैयार। यहाँ पे पानी डाल दिए अभी इसमें, और ये भी देखो फूल पत्ता गोभी है, ये है पत्ता गोभी। क्या है ऋषि? पत्ता गोभी। हाँ पत्ता गोभी है, देखो गाइस हमने पत्ता गोभी लगा रखा खेत में। हाँ ये आपको कैसा दिख रहा है, देखो कितना हरा भरा है अभी। अब
तो ये गोभी भी तैयार हो जाएगी तो हम इसको निकालेंगे काट। एक गोभी का फ्रेंड यहाँ पे तैयार हो गई है, एक गोभी इसमें देखो आ चुकी है, ये रहा, इसमें एक गोभी हमने लगा रखा है, ये बन धीरे धीरे तैयार हो रहा है गोभी। ये गोभी तैयार हो गई हमारी, और ये है छोटे छोटे पत्ते इसके, और वो रहा हमारा अमरूद का पेड़। तो फ्रेंड हम जो आज फूल गोभी के जो पत्ते होते वो लेकर आए थे बैठाने के लिए, वो आज बैठा के रेडी हो गया है। अब ये पानी वानी भी डाल दिए इसमें। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय।